तो जो पुलिस था ना बंद हो गया सारा काम करना भी तुम्हारा तुम्हार तो 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 पैर, है ना। और, चिकन तुम्हारा भीड़ भर बहुत ज्यादा था दिया है है बढ़ा के बहुत दिया है तो 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 तो

इसीलिए आप कम सुनते हैं मेरा ये मेरा बहुत कम सुनते हैं बात इसलिए काम की सफाई करें कुछ भी तुम तो इतना बोली अच्छा <laughs> <किन>, किस टाइम <laughs> जाइएगा माउंट जस्ट माउंट लाइन किस टाइम जाइएगा माउंट कुछ भी <laughs> मैं कुछ से कुछ बोल रही हूं ये ये इतना बोल बोल के मेरा कान का फ्यूज उड़ा दिया इसीलिए कम सुनते हैं आप हाँ। आप जाइएगा जस्ट निकल यार हाँ तो जाइए नाश्ता कीजिए निकलिए और आज फ्राइडे है इसलिए जल्दी जल्दी खाने पीने का इंतजाम कर रही है और शूट सही से नहीं कर पाऊंगी वो तो आप लोग जानते रीजन क्या है श्रे कल से फिर मैं अच्छे से रेसिपी वगैरह आप लोग को दूंगी बाकी आज जितना हो पाएगा उसी में आप लोग हेलो फ्रेंड्स वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल तो आप लोग कैसे हैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की दुआ अल्लाह पाक के रहम और करम से हम लोग बिल्कुल ठीक हैं और यहाँ पे मैं आ गई थी हरबड़ी में जल्दी जल्दी करके मैं अपने लंच बना रही थी और आज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी फ्रेंड्स आप लोग आज के ब्लॉग को ना पूरा देखना क्योंकि फ्राइडे ब्लॉग में आप लोगों ने जिन जिन लोगों ने जितने कॉमेंट किए मैं सारे के कॉमेंट के रिप्लाई दी हूँ चाहे वो वेट लॉस से रिलेटेड हो चाहे जो भी हो मैं हर एक कॉमेंट के रिप्लाई दी दूँ तो इसलिए इस ब्लॉग को ना पूरा लास्ट तक देखना और यहाँ पर देखिए मेरे चावल कितने खड़े खड़े थे और अच्छे से गल गए थे लंच हमारा रेडी हो चुका है फ्रेंड्स तो पुलाव और गोश्त दोनों बन चुका है और अब मैं जा रही हूँ जल्दी से नहाने आज फ्राइडे है तो थोड़ा ऐसे तो थो नमाज नमाज मैं पढ़ ही रही हूँ लेकिन थोड़ा अच्छे से आज कुरान वगैरह की तिलावत करनी है तो मैं नहा करके कुरान वगैरह पढ़ करके डायरेक्ट शाम आते हैं उनके साथ मैं लंच पे आप लोगों से मिलूंगी ट्राईपोर्ट का टूट गया था फ्रेंड्स आ चुका है इस अभी जस्ट ले करके आए हैं बहुत मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि इसके ना रहने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा शूटिंग करने में बहुत तकलीफ हो रही थी और मैं क्यों भी भी नहीं कर पा रही थी और ब्लॉग में भी बहुत दिक्कत आ रही थी तो आज मैं बहुत ज़्यादा हाँ मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी फ्रेंड्स आप लोग ना हमारे ब्लॉग को पूरा देखें क्योंकि आप लोग जो भी कोई बेट लॉस से रिलेटेड कोई भी कॉमेंट करते हैं ना तो उसका मैं या तो वीडियो के लास्ट में या कभी बीच में टाइम मिला तो एक दो कॉमेंट ले लेती हूँ तो आप लोग क्योंकि ब्लॉग को पूरा वॉच नहीं करते तो आपको लगता है कि मैं ना कॉमेंट को इग्नोर करती हूँ ये मैं सारों को सारे को नहीं बोल रही क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर जो मेरे ब्लॉग को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं बट जो नहीं देखते हैं, उनके लिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि आप लास्ट तक देखें तभी तो आपको पता चलेगा ना कि आपने जो कमेंट किया उसका मैंने रिप्लाई किया या नहीं और यहाँ पे हो चुकी थी शाम के सात बज रहे थे फ्रेंड्स और एक स्टूडेंट है उनकी अम्मी आई हुई थी आ, सर से कुछ बात करने के लिए शाम से तो मैंने ना उनके लिए चाय बनाई थी हमने भी पी शाम ने भी पी और उनके लिए समोसे मंगाए थे हेलो फ्रेंड मैं आ गई हूँ क्यों नहीं करने के लिए मतलब कि आपके कमेंट का रिप्लाई करने के लिए जिसको मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी तो आपने देखा मेरा आज टाइपर का जो टूट गया था माउंट हुआ आज आ क्या है और मैं तो आज आपके जो आज के जो यानी फ्राइडे ब्लॉग किया उसमें जितने भी आप लोगों ने कॉमेंट किए जितने भी मुझसे क्वेश्चन किए हैं सबके रिप्लाई करने के लिए मैं आ गई हूँ और मुझे आपके कॉमेंट की रिप्लाई करने की इतनी आदत लग चुकी है ना फ्रं मैं इसको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और एक्साइटेड हूँ कि आपने ऐसे कमेंट भी आप लोगों ने बहुत सारे की है तो मैं आज अब उसका रिप्लाई करूँगी सबसे पहला कमेंट आया है इंदर इंद्रजीत का उन्होंने लिखा आप एक बात बोलो प्लीज़ मेरा स्ट्रेच मार्क है क्या करो तो डियर सबसे पहले आपका स्ट्रेच मार्क जो हो जाता है बेबी होने से जो स्किन बहुत ज़्यादा खींचती है या हम वेट लॉस पर रहते हैं बहुत ज़्यादा फैट मेरे बॉडी में रहता है तो फिर जो हम वेट लॉस करते हैं उस पर स्ट्रेच मार्क आ जाता है क्योंकि स्किन खिंची हुई रहती है फिर वेट लॉस में हमारी स्किन ढीली होती है तो वो स्किन फट जाती है तो उसके लिए आप ज़्यादा परेशान नहीं हो उसके लिए ना आप क्या करें सबसे पहले एलोवेरा जेल जो होता है उससे पाँच से दस मिनट आप अपनी स्किन पर जहाँ पर स्ट्रेच मार कर आप अच्छे से मसाज करें उसके बाद उसको करने के बाद फिर आप उसको क्लीन कर लें किसी भी कॉटन के कपड़े से साफ़ कर लें उसके बाद आलमंड ऑयल को लेकर के उसको दस पंद्रह मिनट की उस जगह पर अच्छे से मसाज दें उसको दस पंद्रह मिनट मसाज देने के बाद उसको फिर रहने दे उसके बाद आप क्या करें ना अंडे का जो येलो पार्ट नहीं वाइट पार्ट होता है येलो पार्ट टाइट कर ले उसका वाइट पार्ट को पार्ट को जो है ना आप क्या काम करें कि अगर आपको अंडे से प्रॉब्लम नहीं है तो आप क्या करें कि उसको उस जगह पर लगा करके और छोड़ दे देखेंगे कि लगा करके छोड़ने के बाद जो है ना वो एकदम स्किन खिंची खींची से टाइट वो सूखने के बाद होती है ना उसके बाद फिर उसको कॉटन के कपड़े से हौले हौले करके रिमूव मतलब धीरे धीरे करके रिमूव कर ले और ये आप करें चार से पाँच दिन में देखना आपको थोड़ा थोड़ा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा आपकी वहां पर की बेहतर होती जाएगी और धीरे धीरे करके आपका स्टेट खत्म हो जाएगा दूसरा कमेंट आया है भट्ट आमिर का उन्होंने लिखा दी मैं बारह मुल्ला कश्मीर से हूँ तो थैंक यू माय डियर और आप वहाँ से हैं और मुझे कमेंट की तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि आप नए नए जगह से जब मुझे कमेंट करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है और हमेशा आप मुझे कमेंट करें मुझे सपोर्ट करें संतोष कुमार आईडी से मुझे कमेंट आया 32 बत्तीस बार करने से मेरा पेट नहीं भरता क्या करूँ तो डियर हमने बार बार कहा कि बत्तीस बार करने से पेट इसलिए नहीं भरता है क्योंकि आप जो है ना अपने खाने आ, संतोष कुमार आ, आईडी से मुझे कमेंट आया बत्तीस बार करने से मेरा पेट नहीं भरता है क्या करूँ तो डियर आप जो है ना अपने खाने में ना फाइबर वाली चीज़ें ऐड करें जब आप मैं बार बार ब्लॉग में बोलती हूँ कि जिन लोगों को भूख बहुत ज़्यादा लगती है वो अपने खाने में मतलब जो भी आप डाइट ले रहे हैं उसमें फ़ाइबर वाली चीज़ ऐड करें तो उससे पता है क्या होगा आपका पेट भरा भरा फील होगा आपको ज़्यादा भूख नहीं लगेगी तो आप खाना ज़्यादा नहीं खाएंगे आप बहुत सारी सब्ज़ी खाएं दाल खाएं आप चने खाएं भुने हुए चने खाएं कच्चे चने खाएं उसका सैलड बना के ये सब खाएंगे ना तो आपको भूख कम लगेगी शारा खान ने मुझे कम बत्तीस बार करने से बाल गिरते हैं क्या तो डियर बत्तीस बार करने से बाल नहीं गिरते हैं आपके बाल तभी गिरते हैं जब आपका कुछ पर्सनल हेल्थ इशू होता है या फिर आपकी डाइट में प्रोटीन आप लेना कम कर देते हैं फ्रेंड्स तब बाल गिरते हैं तो आप जिन लोगों को भी बाल गिर रहे हैं तो आप ये मेक श्योर करें कि आप जो खाना खा रहे हैं जो भी खा रहे हैं तो उसमें आपकी डाइट में प्रोटीन जितनी हमको हमारे बॉडी में चाहिए उतनी मिल रही है या नहीं या फिर बाल तब गिरते हैं जब आपको थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम होती है जैसे कि मैं उसमें हार्मोनल इन्वालेंस इन, होता है प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं तो ये दो रीज़न से बाल गिरते हैं शमरीन अली ने मुझे कॉमेंट किया बिना नमक के और क्या खाना चाहिए समझ में नहीं आता रात में भी चीला दिन में भी चीला तो डियर मुझे तो चीला बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे आप तीनों टाइम चीला दोगे तो मैं बोर नहीं होंगी क्योंकि मुझे बहुत पसंद है लेकिन अगर आपको नहीं पसंद है तो एक टाइम आप कर ले दूसरे टाइम में ना आप बिना नमक का ओट्स बना ले थोड़ा उसको अच्छे तरीके से बनाएं जो बिना नमक का भी अच्छा लगेगा या फिर आप दलिया बना ले जो आप बिना नमक का खा सकती हैं वो या आप नॉर्मल थोड़ी सी अपने लिए ना खिचड़ी बना ले जो बिना नमक का भी आप बना ले तो उसमें थोड़ा कुछ अच्छे से फ्लेवर वगैरह ऐड करें जिससे आप बिना नमक के भी खा सकती हैं तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे क्या बनाएं जो बिना नमक का भी खा सकती हैं यूनिक गेमर्स ने मुझे आईडी से मुझे कमेंट आया दी इस फेस वॉश का प्राइस क्या यानी मैंने जो ब्लॉग में बताया था फेस वॉश तो डियर आप जिन लोगों को भी लेना वो फेस वॉश उसका दो सौ प्राइस है शरिता यादव ने हमें कॉमेंट किया हाई माई दी कैसी है लव यू तो लव यू टू माई डियर और मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप कैसे हैं मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं गुलशन गुलश्न ने हमें कमेंट किया वालेकुम सला, कियास कैसी हैं वालेकुम अस्सलाम माय डियर आप लोगों की दुआ और प्यार की वजह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ फैसल आज़मी ने हमें कमेंट किया है आ, मतलब उनकी आईडी से कमेंट आया सॉल्ट फ्री दूसरे दिन फिर से शुरू करने से वजन बढ़ जाता है या नहीं मतलब सॉल्ट फ्री दूसरे दिन अगर आप दूसरे दिन सॉल्ट फ्री दो दिन कर रहे हैं तो वजन तो ऑब्वियसली घटेगा ही लेकिन अगर आपका क्वेश्चन ये है कि दूसरे दिन बिना सॉल्ट का मतलब जैसे सॉल्ट लेकर के आप खाना खा रहे हैं तो वज़न बढ़ता है तो मैं ये कहूँगी कि ऐसा नहीं है अगर आप जैसे सॉल्ट आज आपने सॉल्ट फ्री किया और कल होकर के डायरेक्ट आपने जो है ना बहुत मतलब अटपटा चटपटा थोड़ा नमकीन वाली चीज़ ज़्यादा खा ली तो ऑब्वियसली वेट बढ़ेगा और ऐसे भी आप लोग जो भी वेट लॉस पे हैं मैं बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि आप लोग ना अपनी डाइट में ना थोड़ा सॉल्ट कम कम ऐड करें जैसे सब्जी वगैरह बनाए ना मैं जो अपने घर में खाना बना रही पहले मैं बहुत सॉल्ट थोड़ा मुझे ज़्यादा थी आदत खाने की और शैम को तो खास करके ज़्यादा थी लेकिन जब से हमने अपना वेट लॉस शुरू किया तो हम ना डाइट में अपनी जो भी खाना वगैरह सब्जी बनाते हैं ना उसमें मीडियम सॉल्ट रखते हैं तो आप हमेशा ऐसा कोशिश करें कि आप जो खाना बनाए ना उसमें मतलब थोड़ा अपने आप को आदत डालें थोड़ा कम नमक वाली सब्जी बनाने की ज्योति ज्योति ने हमें कॉमेंट किया हाई दी गुड मॉर्निंग कैसे हो दी आप सुबह जीरा पानी लेने के बाद थोड़ी देर बाद चाय आ, आ, चाय नहीं पीते हो या चाय पीनी ही नहीं है दी चाय के बिना तो रहा ही नहीं जाता प्लीज़ रिप्लाई तो डियर आप जिन लोगों को भी चाय की आदत है मैं समझ सकती हूँ चाय का नशा बहुत ज़्यादा ख़राब होता है मतलब उसके बिना रहा नहीं जाता है तो आप जीरा पानी लेने के बाद आप चाय पिए लेकिन भाई गुड़ वाली चाय पिए अब गुड़ वाली भी चाय में मैं ये नहीं बोलूंगी कि बहुत सारा गुड़ डाल के बहुत मीठा आप कर ले आप लाइट गुड़ गुड़ डालें और उसको पिए अब वैसे भी चाय थोड़ी लाइट ही मीठी पसंद है मैं बताऊँ तो मुझे चाय ना चाय बिल्कुल लाइट पसंद है कॉफ़ी तो उसमें अगर मैं कभी भी अगर गुड़ डालती हूँ तो थोड़ा सा क्योंकि मुझे ये सब ना थोड़ा फीका पीना पीना पसंद है खास करके कॉफ़ी तभी तो उसका कॉफ़ी का अच्छे से फ्लेवर आएगा तो आप कोशिश करें कि चाय पिए लेकिन वही गुड़ वाली चाय पिए गुड़ भी एक ली मिठी में डालें आरिश खान आईडी से मुझे कमेंट आया दीदी आप एक्सरसाइज नहीं करते हो क्या तो डी सर हाँ ये सच है मैं एक डेढ़ महीने से एक्सरसाइज एक एक या वन मंथ हुए होंगे कम से कम मैं एक्सरसाइज करना बंद कर दी थी उसका रीज़न ये था मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिलता वरना एक्सरसाइज करना मैं आपको बता रही हूँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो आपकी बॉडी में आपको इतना हल्कापन इतना अच्छा फील होगा ना पूरी बॉडी आपकी खुली खुली फील होगी मतलब हड्डी वगैरह से कुछ बॉडी में एक जाम सा फील होता है ना मैं अपने थोड़ी लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ आप लोग प्लीज़ आप समझें उस चीज़ को मतलब मैं थोड़ा गाँव वाला टोन मेरा आ जाता है तो वो हो जाती फ्री होता है रही बात एक्सरसाइज नहीं करने की तो वही टाइम का प्रॉब्लम था और वेट भी हमने अपना अच्छा खासा लूज कर लिया इंचेस भी लूज़ किया है तो इसलिए थोड़ा इग्नोर कर रही थी लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ फिर से कि मैं अपने बैक टू एक्सरसाइज पे आ जाऊँ ज़्यादा नहीं दस से पंद्रह मिनट की मैं रोज़ कर लूँ तो ये अच्छा रहेगा आशिफ़ अरहम आई से हमें कॉमेंट आया असल सिस्टर तो सबसे पहले आपको वालेकुम असलम कैसी हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ डियर उन्होंने लिखा आप सिस्टर सॉल्ट फ्री डे क्या हफ्ते में हम दो बार कर सकते हैं बताइए सिस्टर मुझे जल्दी वेट लॉस करना वो भी वेट लॉस जर्नी पे है तो डियर ऑब्वियसली आप हफ्ते में दो बार भी सॉल्ट फ्री डे करें और अच्छा हो रिज़ल्ट आपको मिलेगा और इससे आपका वेट लॉस और अच्छा होगा क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत टाइम ना हमको लगता है मेरा वेट बहुत ज़्यादा वेट बहुत ज़्यादा तो वो पानी होल्ड रहता है तो जब आप नमक तो मतलब वही सॉल्ट फ्री डे करेंगे ना फ्रेंड्स तो आपका ना बॉडी से जो पानी जो भी होल्ड हुआ रहेगा आपकी बॉडी में वो रिलीज़ हो जाएगा तो उससे आपको वेट लॉस में अच्छा रिजल्ट मिलेगा आप ये देखिए शैम आ चुके हैं और शैम क्या है और इसमें मिठाई और ये हम्म हाँ द्रेंग वो तो चुने से भी लग रहा है और ये अपने पैसे का नहीं लिए इनके पैसे ले रहे थे अपने घर के लिए अपने फैमिली के लिए तो उन्होंने जीत करके इनको इतनी सारी मिठाई लेकर के दे दी <laughs> करने दीजिए मुझे शाला खान ने मुझे कमेंट किया है अपी आप अब नहीं करो वेट कम तो उनका कहना मैंने बोला था ना कि मैं फिर से अपना थोड़ा सा वेट कम करना चाह रही हूँ तो उन्होंने रिक्वेस्ट की मतलब उन्होंने कहा है बहुत प्यार से कि मैं वेट नहीं कम करूँ शायद उनको मेरा ये वेट अच्छा लग रहा तो हाँ ये है कि सच है कि मैंने अच्छा खासा वेट लूज़ कर लिया तो मैं वेट ऐसे अभी कम ना हो लेकिन मेनटेन करने के लिए सब मैं कर रही हूँ डियर <laughs> अश्वनी भोयर ने मुझे कमेंट किया मैम मेरा थ्री के जी वेट कम हुआ लव यू मैम तो थैंक यू माय डियर मुझे ये बताने के लिए क्योंकि आप लोग जो भी मेरे साथ साथ वेट लॉस कर रहे हैं ना प्लीज़ हमें कमेंट कर करके कर कि कितना वेट लॉस हुआ आपका बताते रहें और आपको मेरे तरफ से कॉन्ग्रेचुलेस कौन, के हाँ के आप भी कर रहे हैं कि आपने वेट लॉस किया और जो लोग ये बोलते हैं कि मैं कर रही हूँ नहीं हो रहा उन लोगों को मैं बोलना चाह रही हूँ कि देखिए जो कर रहे हूँ हो रहा है ना मेरे साथ साथ जो कर रहे हैं तो आप लोग भी करें जो सोच रहे हैं सोचे नहीं है स्टार्ट कर दें सुखपाल कौर ने मुझे कमेंट किया दी दि, जिस दिन मैं सॉल्ट सॉल्ट फ्री डे करती हूँ घट जाता और एक दो दिन में फिर उतना ही बढ़ जाता है और एक बात दी आजकल तो विंटर का सीजन है पसीना नहीं आता है क्या एक्सरसाइज में पसीना आने से ही वेट घटता है या नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं अभी विंटर का टाइम है आप बहुत ज़्यादा ही वर्कआउट करेंगे तब जाके आपको थोड़ा पसीना आएगा तो ऐसा नहीं है आप पानी ज़्यादा पिए क्योंकि जो आपको पसीना से आउट हो रहा था वो अब आप यूरिन से आपके आउट होगा तो आप पानी पिए तीन लीटर जो जितना मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स तीन लीटर पानी पीने के लिए उतना पानी आप कंटिन्यू रखें तो आपका जो बार बार जो आप वॉशरूम आएगा ना उससे ही आपके बॉडी का जो भी टॉक्सिन है वो बाहर होता रहेगा और रही सॉल्ट फ्री डे की बात तो सॉल्ट फ्री आप कर, जिस दिन कर रहे हैं उसके नेक्स्ट डे अब आप ऐसा नहीं करें कि बहुत ज़्यादा सॉल्टी चीज़ें खाने लगे नमकीन चीज़ें खाने लगे तो ऑब्वियसली फिर वो बैक टू फायर करेगा ही तो आप उस दिन उसके कल भी ना नॉर्मल और ऐसे भी मैं पहले भी बता चुकी अपनी डाइट में ना थोड़ा नमक कम ऐड करें मतलब सब्जी वगैरह थोड़ा नॉर्मल नौर, नमक में बनाने की कोशिश करें धीरे धीरे वैसे खाने की आदत करें तो आपका वेट लॉस में बहुत अच्छा रहेगा और हमेशा इसके लिए ही अच्छा रहेगा क्षमा पांडे ने मुझे एक कॉमेंट किया नमस्ते सिस्टर तो आपको भी नमस्ते उन्होंने लिखा कैसी हो आप आई लव यू सिस्टर तो मैं बहुत अच्छी हूँ लव यू टू माई डियर ऐसे ही हमें प्यार और सपोर्ट हमेशा करते रहे आयशा ने मुझे लिखा असल मेरी प्यारी नगमा आपकी कैसी हो आप मुझे अभी टाइम मिले और मैंने आपका भी, मतलब टाइम मिला मैंने आपका वीडियो जस्ट देखा कोई बात नहीं है आप को जो मन करे मैगी चैलेंज जब मन करे मैगी चैलेंज का तब कर आप कर सकती हो नो प्रॉब्लम सिस्टर आप बस ऐसे ही हंसती रहिए तो थैंक यू माय डियर और आपको वाले डियर मैं अच्छी हूँ आप कैसे हो ये मुझे कमेंट करके हमेशा बताते रहना और मुझे इतना टाइम देने के लिए मुझे इतना समझने के लिए क्योंकि मैं थोड़ा ये हो रही थी कि शायद आप नाराज हो जाएंगी तो थैंक यू सो मच कि आप इतना प्यार मुझे करती है मुझे समझती बात है।, जो है मैगी चैलेंज करने का वो हम लोग जरूर पूरा करेंगे क्यों नहीं करेंगे ऐसे नॉर्मल डे में ना थोड़ा टाइम का कमी हो जाता है प्रिया शर्मा ने मुझे कमेंट किया आपकी स्वेटर बहुत अच्छी लग रही है डियर तो थैंक यू और मुझे भी वो बहुत पसंद पसंद है स्वेटर इसलिए पिछले दो साल का वो स्वेटर हो चुका फिर भी इस साल भी मैं उसको भी यूज कर रही हूँ हालांकि हमने न्यू ले आया है बट मैं उसको यूज कर रही हूँ अभी जब तक कम ठंडी है उसको मैं यूज करूंगी फिर जब ज़्यादा जब ज्यादा ठंडी पड़ेगी तब उसको पहनूंगी सलमान शेख आईडी से मुझे कमेंट आया अस्सलाम वालेकुम सिस्टर सबसे पहले आपको वालेकुम अस्सलाम कैसी हो माशाल्लाह आपका स्वेटर बहुत अच्छा लग रहा है तो थैंक यू माय डियर आप लोग सबको मेरे स्वेटर पसंद आ रहे हैं क्वीन माही आई uh, टी से मुझे कमेंट आया वेरी वेरी नाइस वीडियो दी एंड हेल्पफुल वीडियो डियर प्लीज़ आप जो बत्तीस बार फार्मूला बताते हो ना कैसे पता चलेगा कि आ, हमने बत्तीस बार किया या नहीं फिर कैसे काउंट करें प्लीज़ बताइए तो uh, उनको उनका कहना है कि मैं उनको डिटेल्स में समझाऊं कि वो बत्तीस बार काउंट कैसे करे तो सबसे पहले चीज़ आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है आपको सिर्फ ये जहन में रखना है कि आपको धीरे धीरे करके खाने को चबाना है कि कॉमेडी कर रहे हैं आपको खाने को धीरे धीरे करके चबाना है और जब तक आपका खाना मुँह में एकदम लिक्विड नहीं बन जाए मतलब खाने को घोटना नहीं है खाना नहीं है पीना है वो पानी की तरफ बन जाए तब उसको आप अंदर कर ले तो ये आपका हो जाएगा बत्तीस बार तो बस यही जहन में रखें और ये मत सोचें कि हमको काउंट करना काउंट करने में जल्दी जल्दी में आप बत्तीस बार कर लेंगे खाना अच्छे से लिक्विड नहीं हुआ आप उसको घुट जाएंगे तो आपका वेट लॉस नहीं होगा काउंट काउंट भी कर सकते हैं गिनती में आप एक्सपर्ट हो <laughs> आप करेंगे तो कॉमेडी नहीं इनके बातों पर मत जाइए बीच बीच में कॉमेडी करके मुझे परेशान कर रहे हैं कॉमेंट की रिप्लाई से इसे नहीं करने दे रहे जागृति शपारिया ने मुझे कॉमेंट किया मेरा भी आज सॉल्ट फ्री डे है तो बहुत अच्छा सिस्टर ऐसे ही हफ्ते में एक दो बार सॉल्ट फ्री डे करती रहें अरविंदर कौर घर का खाना ने कॉमेंट किया सुपर डुपर आइडिया थैंक यू माय डियर शिद्रा जुनारा ने हमें कमेंट किया हाय दी हैप्पी टू शे यू तो थैंक यू माय डियर कि आपको मुझे देखने से और मेरे ब्लॉग से खुशी मिलती है अफशा तानिहात ने कमेंट किया वालेकुम मेरी नगमा बहन स्वेटर आप पर बहुत अच्छे लग रहे हैं बहुत क्यूट लग रही है आपकी सूजी बर्फ़ी की रेसिपी कल ट्राई की थी माशाल्लाह इतनी टेस्टी बनी कि बच्चे एक ही दिन में फिनिश कर गए हैं कर बैठे तो थैंक यू और हाँ मैं जो भी आप लोगों को रेसिपी बताती हूँ ना आप लोग को अब यकीन आ रहा है कि वो अच्छी होती है अच्छी होती है तभी मैं आपसे शेयर करती हूँ और सबसे अच्छा लग रहा है बच्चा एक ही दिन में कर को खूब सिमरन सिंह ने मुझे कमेंट किया दी आप बहुत पॉजिटिव सोच के हो देखकर अच्छा लगता है तो सबसे पहली बात ये है कि आप मुझे किस नजर से देखते हो और कैसे देखते हो उस पर डिपेंड करता है कि मैं आपको पॉजिटिव लगती हूँ यानी कि आप खुद बहुत अच्छी हो खुद बहुत पॉजिटिव हो लोगों को समझते हो कि कौन अच्छे कौन बुरे इसलिए आप मुझे समझ पा रही है अंजु मारा ने मुझे कमेंट किया सभीकार सर तो बोलते हैं टीवी या मोबाइल बिल्कुल भी ना चला चलाएं खाना खाने के टाइम में तो ये बात सही है आइडिया लेकिन मैं उन लोगों के लिए ये चीज़ बोल रही हूँ जी, क्योंकि मुझे बहुत सारे ये कमेंट आते हैं कि दी अब मुझे ना बत्तीस बार करने से ना बोरियत फील होती है मतलब उप जाते हैं वो करने में तो उन लोगों के लिए मैं ये सॉल्यूशन दी हूँ बाकी तो अगर आप ऐसे खाने पर फोकस करके खाएंगे तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी चीज है कि आप खाने को समझ पाएंगे फील कर पाएंगे तो आपका पेट भरेगा लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो मतलब बोर हो रहा है तो क्या करें ना आप टी या मोबाइल देखते हुए खाएंगे तो आपको वो चीज करने में एक हेड नहीं लगेगा कि अरे मुझे बत्तीस बार चबाना आपका बत्तीस बार भी हो जाएगा मैं सारे के कॉमेंट की रिप्लाई कर दी फ्रेंड्स आप लोग फिर कल अच्छे अच्छे

ये हमसे बात करना 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 मीटिंग मीटिंग करना तो मीटिंग मीटिंग पड़ेगा इनसे क्या क्या तो रात दिन मेरे पास घर में ही रहते चाय कॉफी के के साथ बैठ वार्तालाप करो हमारे साथ <laughs> तो हम इस मिठाई के वाले बात कर रहे थे तो ये जो मिठाई है ना ये एक्चुअली ठंडा में मिलता है ठंड के टाइम में कोलकाता में मिलता है ये बकवास मिठाई है इतना शुगर डाला हुआ गुड़ है

इनको मैं बोलती हूँ कि आप एक चैनल खोले, खोले जिसका नाम हो ओए पेटू अब उस पे ना आप फूड ब्लॉग डाले <laughs> तो आज के ब्लॉग में नहीं आज का हमारा ब्लॉग आप पेटू आपको... हमने पेटू ये देखिए ये इतना खाएगी अभी ब्लॉग एंड करने का इतना खाएगी <laughs> नहीं फ्रेंड्स इतना मैंने कहाऊंगी ये घबघब पूरा खा जाएगी नहीं <फ्रेंग, इतना> <laughs> नहीं ये पूरा एक मिठाई एक बार खूब खूब खाएंगे देखिए अपना हम दो ढलाए थे ये वाला उसमें से भी एक खा गए। अभी जस्ट तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में इतना ही ब्लॉग बहुत ही नहीं, नहीं चाह रहे करूंगी तो बहुत बातेंगे लगा? लगा। तो हमारे वीडियो को और जो भी हमारे चैनल पे नए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ वेट लॉस जो करना चाहते हैं वो करते जाए और मुझे कॉमेंट करके हमसे जो भी पूछना चाहते हैं वो हमेशा पूछते रहे लाल नहीं है व्हाइट हो गया है और भूल गए क्या नहीं 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 भूले और आप लोग मुझे ढेर सारा प्यार दे अपनी दुआ में मुझे याद के तो मिलती हूँ मीठा, तुम हमेशा लास्ट में क्यों बोलती है ये साड़ी, साड़ी, ठीक है फ्रेंड्स ये पूरा रसगुल्ला आप लोगों के लिए लेकिन अब आप लोगों के लिए तो एक हिस्सा ये शाम का जाएगा ये तीन पीस एक पीस में आप नहीं का हिस्सा आप लोग बस फील कीजिए